हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. दिस इज योर मेंटर राजेश नागदीवे. और आज से हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, 11th क्लास जेई. ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज. बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स रहेगा. इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन तो एडवांस में आता है. और ये सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं जाती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इंटरेस्टिंग कोर्स रहेगा ये. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सीक्वेंस. ठीक है, सीक्वेंस है क्या चीज? सीक्वेंस तो सीक्वेंस एक्चुअली में ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है. इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर्ड कलेक्शन विथ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एक्सेट्रा. सो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है. इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन विथ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एक्सेट्रा. तो आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म में कौन है, सेकेंड टर्म में कौन है, थर्ड टर्म में कौन है, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो ऐसा कलेक्शन सीक्वेंस कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया कि 2 0 -4 5 6 एकदम. तो आप ये क्या है, इसका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा. लाइक दैट अगर आप देखें तो फिफ्थ टर्म 6 है, फिफ्थ टर्म में 6 वैल्यू है, करेक्ट है कि नहीं? और ये फोर्थ टर्म है और ये थर्ड टर्म है, करेक्ट. तो अब आपको ये, अगर मैंने इसमें बोला कि बोलो फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपको आइडेंटिफाइड हो गया है कि फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म क्या है, 0 है. सो यू हैव आइडेंटिफाइड द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन. सो देयर फोर दिस इज अ सीक्वेंस. ये सीक्वेंस है, ठीक है. अब ऑर्डर कलेक्शन बोला है. अब जैसे मैंने ये सारे नंबर को उठा के अपने बैग में डाल दिया, सब नंबर को उठा के बैग में डाल दिया, कलेक्शन हो गया. कलेक्शन हो गया लेकिन वो सीक्वेंस नहीं होगा ना. आपने सारे नंबर को मिक्स करके बैग में डाल दिया तो वो तो सीक्वेंस नहीं है. सीक्वेंस ये हो गया, ऑर्डर्ड कलेक्शन. अब इससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म कौन सा है. हम दूसरे सेंस में भी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं. सीक्वेंस है ना, एक्चुअली में सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, या फिर ऐसे भी बोलते हैं सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ये रियल नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. अब इसको समझिए कि देखिए, डोमेन में तो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन में रियल नंबर है. तो नेचुरल नंबर है मतलब ये जो नंबर है 1 2 3 4, ये वो टर्म्स है जो पोजिशन हमने बात की थी ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये उसके लिए एन मतलब वहां पे. और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो रियल नंबर आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल ये -4 थर्ड पोजिशन पे है, करेक्ट है. थर्ड पोजिशन पे -4 है, थर्ड पोजिशन पे -4 है, करेक्ट है. हाँ, तो नेचुरल नंबर इसका डोमेन हो गया और टर्म्स इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते. फिफ्थ टर्म हो सकता है, 10वां टर्म हो सकता है, 25th टर्म्स हो सकता है, -20th टर्म या -25th टर्म नहीं हो सकता. हाँ, 25th टर्म में कोई वैल्यू माइनस हो सकती है. वैल्यू में जो टर्म्स में जो नंबर्स आ रहे हैं, या तो रियल नंबर भी हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. तो टर्म्स फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकंड टर्म हो सकता है, 0th टर्म नहीं होएगा, करेक्ट है, नेगेटिव वाला टर्म्स नहीं होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर. और
नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा और क्या तरीका होता है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का, जनरल टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा तरीका ए आर एंड इट्स फार्मूला, जैसे एन स्क्वेयर प्लस वन। सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है सीक्वेंस, है ना। तो अब ये क्या है, ये क्या चीज है उसको देखिए, इसको मैं बताता हूं। ये एन जो है इसका एनथ टर्म होता है, एनथ टर्म को हमारा जनरल टर्म भी बोलते हैं। हालांकि ये आपको मालूम है आपने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, ठीक है। तो अब सीक्वेंस में जैसे आपने देखा ये 2, 0, -4, 5, 6, 7 जो भी यहाँ पे और नंबर आएंगे हम सबको लिखते चलेंगे, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो इतना लेंदी लिखने से अच्छा इसका कोई शॉर्टकट नोटेशन हो जाए जिससे ये पता चल जाए कि सीक्वेंस कौन सा है, तो हम उसका एनथ टर्म या उसका जनरल टर्म सर्च आउट करते हैं। तो वो जनरल टर्म है ए एन, और फिर हमने सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया ऐसे, ये कर्ली ब्रैकेट फ्लावर ब्रैकेट, उसमें ये एनथ टर्म और उसका डेफिनेशन ए एन इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस वन, फार्मूला एनथ टर्म का फार्मूला। अब आप एन को वैल्यू देंगे, अब एन को कौन कौन सी वैल्यूज देंगे बताइए, एन नेचुरल नंबर है, डोमेन फंक्शन का नेचुरल नंबर है, तो एन कैन टेक्स द वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अब यहीं से अगर मैं बात करूं तो ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ए वन की वैल्यू आ जाएगी 2, ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टू की वैल्यू आ जाएगी 5 और ए थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 एंड लाइक दैट, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप सारे टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जनरल टर्म्स हैं, इसके फॉर्मूले से हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक तरीका है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का। नोट कर लीजिए, डिस्कशन आगे बढ़ेगा। ओके फाइन, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट में मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ मेनी मिनिमम टर्म्स रिक्वायर टू फॉर्म अ सीक्वेंस। सो वी नीड मिनिमम 3 टर्म्स टू फॉर्म अ सीक्वेंस। सो मिनिमम ऑफ 3 टर्म्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में कम से कम 3 टर्म्स होना चाहिए, अगर 3 टर्म्स नहीं है तो फिर वो सीक्वेंस नहीं है। अब जैसे मैंने लिख दिया ये 2, 5 तो 2, 5 ये सीक्वेंस नहीं है, 2 ही टर्म्स है, करेक्ट है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको तो अभी मैं बता देता हूं, ठीक। तो सीक्वेंस में मिनिमम 3 टर्म्स होना चाहिए तब तो वो सीक्वेंस होगा, नहीं तो वो सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। अब सीक्वेंस में जो हमें काम करना पड़ेगा पूरे थ्रू आउट द कोर्स में, वो इसका जनरल टर्म आइडेंटिफाई करना, सीक्वेंस को बनाना, ठीक है ना। या तो जनरल टर्म दिया हुआ है तो सीक्वेंस बनाओ, या फिर सीक्वेंस दिया हुआ है तो जनरल टर्म बनाओ, और फिर इसके ऊपर जो जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो काम करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके पैटर्न को पकड़ना, उसके जनरल टर्म्स को पकड़ना, करेक्ट है कि नहीं। सीक्वेंस में ये काम करेंगे, ठीक है साहब। अब इसके बाद में हम सीक्वेंस में अगर आप देखें तो फिर कुछ वैरायटीज भी आएगी, और वो वैरायटीज कैसी होगी उसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। हाँ, सीरीज के ऊपर आते हैं। सीरीज क्या है, अब जैसे आपने देखा कि ए वन ए टू ए थ्री लाइक दैट ए एन, ये तो सीक्वेंस हो गया सीक्वेंस, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे कर दिया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन, तो अब ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, वी आर समिंग ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और फिर वो जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं।
ये सीरीज हो गया। सीरीज और सीक्वेंस में यही छोटा सा डिफरेंस है कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर दो तो जो आ रहा है उसको हम सीरीज बोलते हैं। अब एक और चीज होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में आते हैं। प्रोग्रेशन क्या है कि ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस करेक्ट है, फॉलोड अ डेफिनेट रूल, फॉलोड अ डेफिनेट रूल। एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं तो फिर देन दैट सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस वर्ड समझ में आ गया, सीरीज क्या है वो बात समझ में आ गई। प्रोग्रेशन में आते सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं ना, सभी टर्म्स जो सीक्वेंस हमको गिवन है वहां के सारे टर्म्स एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते होंगे तो फिर वो सीक्वेंस हम कहलाते हैं प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रेशन जो है वो कितने प्रकार के हमको यहाँ पे पढ़ना है एक्चुअली में। तो प्रोग्रेशन पहला तो आपने जो 10th में पढ़ा एपी फिर से रिपीट करना है, फिर जीपी, फिर एचपी, फिर एजीपी, ओके, और फिफ्थ मिसलेनियस। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, इसको देखना ये क्या है। एजीपी, पी फॉर प्रोग्रेशन, ए फॉर अरिथमेटिक, जी फॉर ज्योमेट्रिक। तो अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आप बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फिर एक वैरायटी और है जिसको हम बोलेंगे मिसलेनियस, जो इन इन रूल्स को फॉलो करने वाले के अतिरिक्त कोई दूसरे रूल्स को फॉलो करते हैं तो फिर उनको हम मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो मिसलेनियस प्रोग्रेशन हो जाएंगे। तो एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और मिसलेनियस, इतने कैटेगरी के प्रोग्रेशंस को हमको डिस्कस करना है थ्रू आउट द कोर्स में, करेक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद में सीक्वेंस की और कुछ बातें बताए तो बेसिक बातें, जैसे ये वर्ड बहुत यूज होता है मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस, सीक्वेंस तो अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस होंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाते हैं। अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसा होगा, आप देखिए सीक्वेंस है तो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इनको अगर हम बात करें तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में अगर हमको कोई वर्ड यूज करना है दोनों को रिलेट करने के लिए तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर ऐसे हम बोलते हैं। यानी सेकंड टर्म का सक्सेसर कौन है, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का प्रीडिसेसर कौन है, सेकंड टर्म है। गॉट द पॉइंट्स। अच्छा, तो अब क्या हो गया, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब सेकंड टर्म के बाद जो थर्ड टर्म आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, थर्ड टर्म के बाद जो फोर्थ टर्म आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। और वैसे ही सेम वे में आप समझ गए होंगे कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसा होता होगा, करेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने सिंपली ये 1, 2, 3, 4 और ये लिख दिया तो ये हो गया इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और अगर ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे लिख दिया तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखो आप कम कम होते जा रहे, कम कम होते जा रहे, हाँ, और ये इंक्रीजिंग। अच्छा, अब इसमें भी और कुछ बात आ गई, अगर मान लिया मैंने ये 3 पॉइंट्स लगा दिए, तो 3 पॉइंट्स लगा दिए इसका मतलब ये इनफिनाइट टर्म्स तक जा रहे हैं, तो ये इनफिनाइट सीक्वेंस भी होंगे। तो कैसे सीक्वेंस होंगे, इनफिनाइट सीक्वेंस, एक इनफिनाइट सीक्वेंस होगा और दूसरा फाइनाइट सीक्वेंस होगा। तो इन्फोनाइट सीक्वेंस मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं वो इन्फोनाइट सीक्वेंस आ जाएगा। और ये बहुत काम का चीज रहेगा, जब इन्फोनाइट सीरीज
हम देखेंगे तो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फाइनाइट सीक्वेंस, अब समझ ही गए होंगे कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो इनफाइनाइट नंबर तक के सीक्वेंस का सम निकालना है यानी सीरीज की बात करना है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आगे में आएगा जब हम सीरीज करेंगे तब, ठीक है, पर अभी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी होते हैं, डिक्रीजिंग भी होते हैं, उसी प्रकार से इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हम और फाइनाइट सीक्वेंस भी देख सकते हैं। जैसे ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अगर यहां तक के मैंने इसको रोक दिया तो अब ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, यहां तक के रोक दिया तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, कोई इश्यू नहीं है। मिनिमम थ्री टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए किसी भी सीक्वेंस को फॉर्म करने के लिए, ये चीज भी देख लिया। सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, करेक्ट है। इसको हम दूसरे सेंस में भी बोल सकते हैं कि सीक्वेंस एक्चुअली फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर या नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेचुरल नंबर डोमेन में आ गया और को डोमेन में कौन आ गया, रियल नंबर। हाँ, अब पोजिशन जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है ना, वो टर्म्स की बात कर रहा है, वो नेचुरल नंबर्स है, तो फर्स्ट टर्म हो सकते हैं, सेकंड टर्म हो सकते हैं, थर्ड टर्म हो सकते हैं, ऐसे नेगेटिव वाले टर्म्स कोई नहीं हो सकता, करेक्ट है। हाँ, किसी पर्टिकुलर टर्म में कोई भी वैल्यू रियल नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल, करेक्ट है, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो इतना काम हमको यहाँ कर रहा है, तो मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करता हूँ सीक्वेंस में। तो जैसे जनरल टर्म, हम कुछ सीक्वेंस की बात करेंगे, जनरल टर्म, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस के जनरल टर्म्स आपको हमेशा मालूम ही होना चाहिए। और ये जनरल टर्म में कई लोग प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, कई स्टूडेंट्स, अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने बोल दिया एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है साहब, ठीक है। अब ये बताइए इसका कोई nth टर्म निकालना है जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म बोलिए 2n होगा, इसका nth टर्म क्या होगा, 2n। और अब आपको बार बार ये नहीं बोला जाएगा कि n क्या है, n तो नेचुरल नंबर ही है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब जब ये जो 2n है ना, ये एक्चुअली में वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन को हम डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज देंगे ना, वो आपके इनपुट को, मतलब वो टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही से जैसे ये अगर इसको मैंने an लिख दिया तो ये a1 बनेगा, a1 यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में आ गया 2, a2 बनेगा, 4 A3 बनेगा, 6, तो देखो ये 1, 2, 3, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, लाइक दैट। अब उनकी उनके ऊपर कौन है, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 4 है, थर्ड टर्म में 6 है, करेक्ट है। हाँ, तो ये हो गया इसका पहला, ठीक है साहब। मुझे कोई इसको बताएगा कि अगर इसी चीज को मैंने बोल दिया कि 4, 6, 8 एंड सो ऑन, अब बताइए nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा। हाँ, 4, 6 एंड 8, तो इसी चीज में यहाँ पे लड़के लोग गड़बड़ करते हैं। तो देखो 2n+2 करना पड़ेगा, ये इसका nth टर्म होगा। स्टिल n नेचुरल नंबर ही है, मतलब आपको फर्स्ट टर्म तो ढूंढना ही पड़ेगा, n तो 1 से ही स्टार्ट होगा। अगर आप सिंपली 2n बोलते तो वो 2 हो जाता, जबकि यहाँ पे 2 है ही नहीं, 2 हट चुका था इस पहले वाले सीक्वेंस से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो अब ये 2n+2, अब n को 1 रखिए तो 4 आ जाएगा, n को 2 रखिए तो 6 आ जाएगा, n को 3 रखिए तो, और ये सारे टर्म्स इसमें आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो छोटा सा डिफरेंस है, और यहीं पे हम लोग गड़बड़ करते हैं। अब जैसे मैंने 1, 3, 5 और 7 एंड सो ऑन की बात करी, तो यहाँ जो nth टर्म आएगा, अब इसमें भी बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, 2n-1 और 2n+1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2n+1 कब आएगा, 2n-1 कब आएगा। बहुत केयरफुली
आपको एन नेचुरल नंबर है, इसीलिए वो फंक्शंस का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। एन नेचुरल नंबर है मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, एन की जो वैल्यू होगी वो वन से स्टार्ट होगी। तो यहाँ वन रखिए तो ये आ जाएगा, यहाँ टू रखिए तो ये आ जाएगा, यहाँ पे थ्री रखिए तो ये आ जाएगा। अब जबकि यहाँ आप रखते हैं एन को वन, तो सीधा थ्री से स्टार्ट करते, आई क्या बात समझ में, वन नहीं आता उसमें, क्योंकि एन तो आपको वन ही रखना पड़ेगा, जो एन का वैल्यू नेचुरल नंबर है वो वन ही रखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, तो फिर वो जो मैंने अभी हटा दिया वो कहाँ आएगा, 3, 5, 7 एंड सो ऑन में। इसका अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो ये 2n+1 होगा, क्या होगा ये 2n+1। तो अब ये चीज का आप एक्सटेंड कर दीजिए, आपको बात समझ में अगर आ गई होगी तो मुझे बताना 5, 7, 9, 11 इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा। ठीक है, ऑड नंबर तो है लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे, 5 से, 5 से स्टार्ट हो रहे, तो फिर इसका कहाँ से भाई, आपको अब अगर इसको बनाना है तो आप कैसे करेंगे, 2n+3 लिखना पड़ेगा। 2n+3 में n को वैल्यू दीजिए 1, 5 आ गया, n को वैल्यू दीजिए 2, 7 आ गया, n को वैल्यू दीजिए 3, 9 आ जाएगा। पकड़ लिए पैटर्न को आपने, तो ये 2n+3, ये 2n+1, ये 2n-1 एंड लाइक दैट आपको अरेंज करना पड़ेगा। और एन माइंड इट नेचुरल नंबर रहेगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये वैल्यूज वो रिप्रेजेंट करता है एन को, अगर हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, और जो आउटपुट है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, जो वैल्यूज पुटअप करने के बाद में आ रही है एन को, जितनी वैल्यूज हमने दी उसके बाद में जो रिजल्ट आया वो आउटपुट होगा, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन में ये नंबर है, ऐसा हम मानेंगे, करेक्ट है क्या। तो ये कुछ जनरल से बहुत यूज होते हैं, खास करके ये 2n-1, 2n+1, ये 2n+2 कैसे हुआ, ये 2n कैसे हुआ, ये 2n+3 कैसे हुआ, ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। अच्छा एक और सीक्वेंस की बात करता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। अब बताइए इसका nth टर्म क्या होगा, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, क्या होगा, n² क्या होगा, n² अब आप समझ में आ गया है आपको कि nth टर्म कैसे जनरेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते कुछ जनरल से प्रॉब्लम्स सीक्वेंस के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड एज, अब कैसे डिफाइंड हुआ है उसको चेकआउट करिए, a1=4 फर्स्ट टर्म डिफाइंड हो चुका है, आइडेंटिफाइड हो चुका है, एंड फॉर एन ग्रेटर देन वन an इज 2a(n-1)+1। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ठीक हो गया, a1=4, अब मुझे a2 निकालना है, a2 जनरल टर्म जो फर्स्ट टर्म के बाद के टर्म्स है उनके लिए ये जनरल टर्म्स है, करेक्ट। तो n को 2 वैल्यू रखा तो ये 2 हो जाएगा, a2-1 और ये +1, मतलब 2a1+1, मतलब a1 की वैल्यू 4 है, 2 × 4+1 मतलब 9, ये हो गया सेकेंड टर्म। चलिए उसी हिसाब से a3 पे आ जाते हैं, तो 2a3-1, ये 3-1 करेंगे तो a2+1 हो जाएगा, और a2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9+1 ये 19 हो जाएगा, और फिर a4 की आते हैं तो ये 2a3 हो जाएगा +1, तो आप 2a3 करेंगे, 2 × 19+1 करेक्ट, 39, ये इसके फोर टर्म्स हमने नोट डाउन कर दिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, तो सीक्वेंस कैसे डिफाइंड हुआ उसको भी देखना, कैसे डिफाइंड हुआ कि फर्स्ट टर्म 4 हो गया
और फिर जो भी सेकंड टर्म थर्ड टर्म और वो आगे के जितने भी टर्म्स है ना उनके लिए एक जनरल टर्म आ गया ए एन, फर्स्ट टर्म के लिए नहीं है ये, आगे के टर्म्स के लिए जनरल टर्म्स है, मतलब सारे आगे के टर्म्स फर्स्ट टर्म के बाद वाले वो इस फॉर्मूले से जनरेट होंगे, सीक्वेंस इस बार इस तरीके से डिफाइंड हुआ है, करेक्ट है? ठीक है सर, चलिए सेकंड क्वेश्चंस लेते हैं। Find nth term of the sequence, nth term of the sequence minus 1, 4, minus 9, 16, minus 25 and so on। अब देखो अभी इसके पहले हमने बात की थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, अब एक सीक्वेंस ऐसा भी आएगा जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है? ये वही सीक्वेंस है, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, करेक्ट है? ठीक है सर, तो ये सीक्वेंस का एक नया नाम आपको मैं बता देता हूं, ये सीक्वेंस जो है वो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है? ना तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट है? अल्टरनेट वे में चल रहा है। हाँ, तो अब इसका एनथ टर्म फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे एनथ टर्म? आप एन स्क्वेयर तो लिख नहीं सकते, एन स्क्वेयर लेंगे तो 1 आएगा फर्स्ट टर्म पे, सेकंड टर्म पे 4 आएगा, तो सेकंड टर्म के लिए तो ठीक है लेकिन फर्स्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। फिर थर्ड टर्म में 9 आएगा, फोर्थ टर्म में 16 आएगा, फोर्थ टर्म के लिए तो ठीक है लेकिन थर्ड टर्म में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो जो इवन नंबर पोर्शन पर है उनके लिए वर्क कर रहा है, ऑड नंबर पे ये वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर ये नहीं हो सकता। तो अब आप आइडेंटिफाई करिए कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। क्या हम ऐसा कर दे -1 इसी को मल्टीप्लाई किए -1 की पावर एन। तो अब आप देखो एन को जब आप 1 रखते हैं तो ये -1 आ जाएगा, एन को जब आप 2 रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो गया, करेक्ट है? जब एन को 3 रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, गॉट द पॉइंट? तो इसका जनरल टर्म एन टर्म एन स्क्वेयर इंटू -1 की पावर एन होगा, करेक्ट है? ठीक है, नोट कर लिया। ओके सर, अब दूसरा वाला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड दी एनएथ टर्म, फाइंड दी एनएथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस है आपका 3, 12, 27, 48, 75 एंड सो ऑन। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सीक्वेंस क्या होगा? ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन बात एक तो चीज दिखाई दे गई होगी आपको, ठीक है? ठीक है, दिख गया। तो 3 के मल्टीपल्स में है, अब ये 3 के मल्टीपल्स में है, मतलब ये 3 इंटू 4, ये 3 इंटू 9, ये 3 इंटू 16, मेरे ख्याल आपने पैटर्न जनरेट कर दिया है, तो ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर है, तो ये बन गया आपका एनथ टर्म, ये आ गया आपका एनथ टर्म 3n स्क्वायर, गॉट द पॉइंट? कैसे जनरेट किया हमने इसका एनएस टर्म? अब आपको थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस में दे रहा हूं, उसको चेकआउट करेंगे। द नेचुरल नंबर इंपॉर्टेंट, द नेचुरल नंबर आर grouped as follows: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on. Then the first element
ऑफ nth टर्म, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth ग्रुप इज ऑप्शन ए n स्क्वायर माइनस वन, n स्क्वायर प्लस वन, n माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, एंड ऑप्शन डी n माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ओके, कुछ आइडिया आ रहा है? कोई आइडिया आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या पैटर्न होता है? तो आप अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से लिंक मिलेगी। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। अब आप ये सीक्वेंस थोड़ा सा आपका अभी तक जो सीक्वेंस देखे थे उससे डिफरेंट है। जैसे मैंने बोला था कि सीक्वेंस अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग पैटर्न में आएंगे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म में ये पूरा ग्रुप है, सेकंड टर्म में ये पूरा ग्रुप है, थर्ड टर्म में ये पूरा ग्रुप है। अगली बात समझ में? हाँ, तो ऐसे ही ग्रुप आपका nth टर्म में होगा, ठीक है। और उस nth टर्म में फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप में सेकेंड है, फर्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप में फाइव है, ठीक है साहब। तो अब क्या करें, हमको जो पैटर्न जनरेट हुआ है वो लास्ट टर्म से जनरेट आ रहा है, लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ग्रुप, इससे समझ में आया वन स्क्वायर, लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड ग्रुप ये टू स्क्वायर है, लास्ट टर्म ऑफ थर्ड ग्रुप ये थ्री स्क्वायर है, तो लास्ट टर्म ऑफ एन माइनस वन ग्रुप ये एन माइनस वन का स्क्वायर होगा, करेक्ट है। हमको इसके पहले वाले ग्रुप का लास्ट टर्म मालूम हो जाए ना, इसके पहले वाले ग्रुप का लास्ट टर्म मालूम हो जाए तो फिर आगे वाले ग्रुप का फर्स्ट टर्म मालूम हो जाता है, क्योंकि ये जहां से एंड होता है वहां से उसका फर्स्ट, उसके वन प्लस करके नेक्स्ट टर्म ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट शुरू हो जाता है नेक्स्ट ग्रुप का, करेक्ट है। जैसे ये वन से एंड हुआ तो वन प्लस करके टू, ये फोर पे एंड हुआ तो फिर यहाँ फाइव से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए nth ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो उसके पहले का जो ग्रुप है दैट इज n माइनस वन ग्रुप, उसका लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए, और उसका लास्ट टर्म के आगे n माइनस वन का स्क्वायर, सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म। अगर बात समझ में, तो फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप आपको अब आइडेंटिफाई हो गया n माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, n माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन मतलब ऑप्शन नंबर डी, चेक इट, ठीक है। इसको जनरलाइज करके मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूं इसी में। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द 11th ग्रुप, द नेचुरल नंबर्स आर ग्रुप्ड एज फॉलोस, देन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 11th ग्रुप कर दिया मैंने, 11th ग्रुप, ठीक है। और अब मुझे आप इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा, 11th ग्रुप का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 11th ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट में जाना है मतलब 10th ग्रुप के लास्ट एलिमेंट में जाना पड़ेगा, तो ये फार्मूले के हिसाब से 10 स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, और इसीलिए 11th ग्रुप का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 101 होगा, करेक्ट है, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को भी। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने देखा है कि कैसे सीक्वेंस बनाया जा सकते हैं, उसके जनरल टर्म कैसे जनरेट कर सकते हैं, जनरल टर्म्स के बेस पर हम सीक्वेंस को कैसे बाकी के टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या निकाला जा सकता है, ये सारी चीज़ों को हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में देखा है। और अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के प्रोग्रेशंस के बारे में, और उसमें भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।